अभिवादन बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पार्ट एक पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट एक पढ़ाने से पहले मैं आपको आपकी हिंदी की किताब दिखाना चाहूँगी। ये है आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, इस पर लिखा हुआ है पाठ्य पुस्तक कक्षा दो भाग एक। तो आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक में आपका पार्ट एक शुरू करेंगे। और पार्ट एक क्या है हमारा? पार्ट एक है हमारा हाथी और चूहे। क्या है पाठ का नाम? हाथी और चूहे। तो हाथी और चूहे क्या है बेटा? एक कहानी है। हाथी और चूहे की कहानी आपने पहले भी सुनी होगी, या इसके अलावा आपने हाथी और चींटी की कहानी सुनी होगी, या फिर आपने हाथी किसी और के साथ उसकी कहानी सुनी होगी। तो ये भी एक कहानी है, लेकिन ये जो हमारी आज की कहानी है वो कहानी बाकी कहानियों से थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? इस कहानी में हमें चित्र दिए हैं, हमें सिर्फ चित्र दिया है, और हमें उस चित्र को देख के खुद से कहानी को समझना है, या हमें बनाना है कहानी को कि क्या कहानी हो सकती है। चित्र देखकर हमें पहचानना है कि क्या कहानी हमारी बन सकती है। तो इसे हम और क्या कह सकते हैं? इसे हम कह सकते हैं चित्रकथा। चित्रकथा मतलब चित्र देखकर कहानी को समझना या कहानी को बनाना। अब आप सभी अपनी पाठ्य पुस्तक का, तो बच्चों अब हम कहानी का पठन करेंगे। पठन का क्या अर्थ होता है? पढ़ना। आओ पढ़ें। चित्र देखकर कहानी बनाकर सुनाइए, अर्थात हमें यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखते हुए हमें अपनी कहानी बनानी है, या हमें कहानी का अनुमान लगाना है। तो सबसे पहला चित्र देखिए। पहले चित्र में एक हाथी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप मुझे बताइए हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। तो ये जो चित्र है इसमें हाथी जो है जंगल में है। तो अब हाथी जो है जंगल में क्या कर रहा है? चलिए देखते हैं कि हाथी जंगल में क्या कर रहा है। एक हाथी जंगल की सैर करने निकला। तो हाथी जो है वो जंगल की सैर पे निकला। सैर का क्या अर्थ होता है? घूमने। तो जंगल की सैर करने निकला है हाथी। अगला चित्र देखिए। अब देखिए अगले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चित्र नंबर दो में देखिए, जब हाथी सैर करने निकला है जंगल में तो क्या होता है कि कुछ रस्सियाँ उसके पैरों में फंस जाती हैं। आप चित्र में देख पा रहे हो जैसे कि कुछ रस्सियाँ जो हैं हाथी के पैरों में फंस गई हैं। तो देखिए, चलते चलते अचानक उसके पांव जमीन पर बिखरी रस्सियों में फंस गए। अब आप मुझे बताइए कि रस्सी फंसने पर हाथी क्या करेगा? क्या हाथी उन रस्सियों को अपने आप निकाल पाएगा, या फिर वो कोई और उपाय करेगा अपनी रस्सियां निकालने के लिए? ये हम अगले चित्र में देखते हैं। अभी आप चित्र नंबर तीन पर आइए। देखिए चित्र नंबर तीन देखिए। चित्र नंबर तीन में हमें हाथी दिखाई दे रहा है, और हमें साथ में और क्या दिखाई दे रहे हैं? कुछ चूहे भी हमें दिखाई दे रहे हैं। और देखिए चूहों को देखिए, चूहे क्या कर रहे हैं? चूहे हाथी को रस्सियों में फंसा हुआ देखकर हंस रहे हैं, मतलब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उनको हंसी आ रही है कि भी इतना बड़ा हाथी है और देखो कैसे रस्सियों में फंसा हुआ है, और वो अपने आप को निकाल भी नहीं पा रहा है, और वो उसको देख देख कर बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन हाथी क्या हो रहा है? हाथी बहुत परेशान हो रहा है क्योंकि वो उन रस्सियों को नहीं खोल पा रहा है। तो देखिए, हाथी परेशान हो गया, चूहे हाथी को देखकर हंसने लगे। अच्छा ये बताइए, आपको क्या लगता है कि जो चूहे हैं वो हाथी की मदद करेंगे उसकी रस्सियां निकालने में, या उसको रस्सियों से मुक्त कराने में? क्या वो हाथी की मदद कर पाएंगे?
चलिए हम अगले चित्र में देखेंगे कि क्या होता है, वो चूहे उसकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। चित्र नंबर चार देखिए बेटा, चित्र नंबर चार देखिए। चित्र नंबर चार में चूहे जो हैं वो हाथी की रस्सियों को काट रहे हैं। चूहों ने मिलके क्या किया, जो रस्सियां थी उनको धीरे धीरे करके उन्होंने काट दिया। लेकिन इतनी मोटी मोटी रस्सियां चूहों ने कैसे काटी होंगी, क्योंकि चूहे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनके दांत भी छोटे होते हैं। तो फिर छोटे छोटे चूहे इतनी मोटी मोटी रस्सियों को कैसे काट सकते हैं। तो देखिए, जो चूहे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। नुकीले का मतलब बहुत तेज़ धार वाले होते हैं, वो किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को बहुत आसानी से काट सकते हैं। और वो कैसे काटते हैं, वो उसको कुतर कुतर कर काट देते हैं, मतलब उसको वो छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसको अपने दांतों से कैसी भी चीज़ हो उसको भी वो काट देते हैं। तो चूहों ने क्या किया, चूहे ने देखा कि भाई हाथी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसकी रस्सियों को काट दिया। देखिए, हाथी को परेशान देखकर चूहों को दया आ गई, उन्होंने मिलकर रस्सियां काट दी। अब अगला चित्र देखिए बेटा, चित्र नंबर पाँच देखिए। इस चित्र में हम क्या देख पा रहे हैं कि चूहे जो हैं वो सभी चूहे हाथी की पीठ पर बैठे हुए हैं और हमें बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ होगा कि हाथी ने चूहों को जंगल की सैर कराई। तो देखो, जैसे सारे उसके पीठ पर बैठे हुए हैं, अब हाथी को लगा कि सभी चूहों ने मेरी मदद की है इतनी मेरी, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो उसने क्या किया, सभी चूहों को अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें जंगल की सैर पर लेकर चल पड़ा। चूहे भी बहुत खुश हो गए हैं और हाथी की पीठ पर बैठकर वो भी बहुत आनंद उठा रहे हैं। तो ये थी हमारी कहानी, हाथी और चूहे। अब देखिए बेटा, अगला है हमारा वर्तनी। वर्तनी मतलब वे शब्द जो हमारी कहानी के बीच बीच में आए हैं। उन शब्दों में देखिए, दिए गए शब्दों का अभ्यास कीजिए। इन शब्दों का अभ्यास आपको लिखकर करना है। शब्द देखिए, जंगल, अचानक, रस्सी, हंसना, सैर। आगे देखिए, ओहो ऐसा क्या, ओहो ऐसा क्या में देखिए, यहाँ हमें चूहों के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूहों के दांत बहुत पैने होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, वो किसी भी चीज़ को बड़ी आसानी से कुतर सकते हैं या उसको वो काट सकते हैं। अब हम करेंगे आओ करें एक। नंबर एक देखिए बेटा, चित्र कथा के लिए कोई अन्य नाम सोचकर बताइए। तो जो चित्र कथा हमने पढ़ी है, चित्र कथा मतलब जो चित्र देखकर हमने कथा पढ़ी या हमने अपनी कथा जो हमने बनाई अपनी कहानी, उसके लिए हमें कोई अन्य, जैसे एक नाम तो उसका क्या है, हाथी और चूहे, पर हमें इसके बारे में कोई और नाम सोचना है। इसके अलावा इसका हम क्या नाम रख सकते हैं, इस कहानी का जो हमारी चित्र कथा है, हम इसे और क्या नाम दे सकते हैं, क्या इसके अलावा भी इसका कोई नाम हो सकता है। तो ये आपको सोचना है और ये आपको इसका नाम बताना है, यहाँ आपको लिखना भी है। तो बच्चों, अब हम करेंगे आओ करें दो। आप सभी की पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है आओ करें दो। तो हमें आओ करें दो में देखिए क्या करना है, हमें देखिए, दिए गए चित्रों और वाक्यों की मदद से एक कहानी बनाकर सुनाइए। तो जैसे हमने अभी अपनी हाथी और चूहे की कहानी
हमने बनाई, हमने पढ़ी, उसी तरह से हमें यहाँ कुछ चित्र दिए हुए हैं, उन चित्रों को देखते हुए हमें अपनी ये कहानी बनानी है। तो देखिए, पहला चित्र देखिए। चित्र में क्या है, हमें क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में हमें हाथी और कुछ चींटियाँ दिखाई दे रही हैं। अब देखो क्या है, हाथी अपना मस्ती में चलता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, और क्या हो रहा है देखो वहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखिए क्या है, यहाँ लिख, अरे पैर हटाओ, क्यों मार रहे हो हमें? देखो चींटी जो है वो हाथी से कहती है कि तुम अपना पैर हटा लो। क्यों कहती है? क्योंकि जो हाथी है वो बहुत मस्ती से चल रहा है, उसे ये भी नहीं पता कि जहाँ वो चल रहा है उसके नीचे, उसके पैर के नीचे कोई दब रहा है या कोई उसके पैर के नीचे आके मर रहा है। क्योंकि हाथी बहुत भारी होता है और जो चींटियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी होती हैं। अब छोटी छोटी चींटियाँ जो है वो हाथी उन पर ध्यान नहीं दे रहा है और क्या कर रहा है, अपना मस्ती से चलते हुए उनके ऊपर पैर रख देता है। अब पैर रखने से क्या हो रहा है, चींटियाँ मर रही हैं। अगला चित्र देखिए। अगले चित्र में देखो क्या है, हाथी जो है वो हंस रहा है कि क्या कहता है वो, हा 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 हा, मतलब तो उसको हंसी आ रही है, वो सोच रहा है कि मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मुझे किसी की परवाह ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी सी चींटी है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी। और वो क्या करता है, अपना मस्ती से चलता रहता है। अब देखो जो चींटी है वो सोचती है, वो मन में सोचती है कि अभी मज़ा चखाती हूँ। अब कैसे मज़ा चखाएगी देखो चींटी, चींटी क्या करेगी हाथी को मज़ा चखाने के लिए, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी होती है और हाथी तो बहुत बड़ा है, तो वो कैसे उसको मज़ा चखाएगी, अगले चित्र में देखते हैं। देखिए अगले चित्र में क्या है, जो चींटी है वो हाथी की सूंड में धीरे धीरे अंदर जा रही है। अब सूंड में अंदर जा रही तो क्या होगा, देखिए, निकलो मेरी सूंड से, ओहो मैं तो मरा जा रहा हूँ। अब जो चींटी है वो बेशक छोटी है, लेकिन जब वो हाथी की सूंड में चली जाती है तो हाथी बहुत परेशान हो जाता है, उसे बहुत तकलीफ़ होती है। तो वो क्या कहता है चींटी से कि मेरी सूंड से तुम बाहर निकल जाओ, मैं मरा जा रहा हूँ, मतलब अब मुझे सहन नहीं हो रहा कि तुम मेरी सूंड के अंदर आ गई हो, तो मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और मैं मरा जा रहा हूँ। तो देखिए अब चींटी की बारी, अब चींटी क्या कहेगी, देखिए अगले चित्र की तरफ बढ़ते हैं। देखिए चींटी क्या कहती है हाथी से, वचन दो इधर कभी नहीं आओगे। मतलब चींटी हाथी से कहती है कि उसे वादा करना होगा कि वो कभी भी जहाँ हम रहते हैं उस जगह पे वो कभी नहीं आएगा। तो देखो अब देखते हैं हाथी वादा करता है या वादा नहीं करता है। देखिए देखो हाथी क्या है, अपना वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते वो क्या कहता है, देखिए, हाँ हाँ अब इधर कभी नहीं आऊँगा। तो हाथी वादा करता है कि वो अब यहाँ कभी नहीं आएगा। ओके बच्चों, अभी हमने कहानी पढ़ी, अब उस कहानी के आधार पे हम करेंगे अपना आओ करें तीन। तो आओ करें तीन में क्या है, हमें प्रश्न उत्तर दिए हैं, हमें प्रश्न पढ़ना है और कहानी के आधार पे हमें उन प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है क नंबर, सैर करते हुए हाथी के साथ क्या हुआ? अब आपको बताना, जब हाथी सैर कर रहा था तो उसके साथ क्या हुआ, बताओ। चलिए देखते हैं क्या हुआ हाथी के साथ। देखिए, सैर करते हुए हाथी के पैर में रस्सियां फंस गई। क्या हुआ था उसके पैर में, रस्सियां फंस गई थी, चलते चलते क्या हुआ था, रस्सियां फंस गई थी जब वो सैर कर रहा था, तो बहुत सारी रस्सियां जो थी वो उसके पैरों में फंस गई। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखिए बेटा, प्रश्न नंबर ख, चूहों ने हाथी की मदद कैसे की? कैसे की थी चूहों ने हाथी की मदद, क्या किया था चूहों ने? ओके चलिए देखते हैं, तो क्या किया था उत्तर देखिए,
चूहू ने रस्सियाँ काट कर हाथी की मदद की। मतलब चूहू ने, मैंने बताया आपको जैसे कि चूहों के दांत बहुत नुकीले होते हैं, तो उन्होंने अपने नुकीले दांतों से हाथी की सभी रस्सियाँ काट दी और उसको मुक्त करा दिया। तो कैसे मदद की थी उन्होंने? उस चूहों ने रस्सियाँ काट कर हाथी की मदद की।